तमाम अधिकारी भी दिख रहे थे। अब सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए भैया और समझाया बुझा भी गया कि अब किस बार होली शांति पूर्वक निपटना चाहिए, किसी प्रकार के शरारती तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यो को भी जिम्मेदारी मिली है कि गंदगी कहीं ना दिखे, हर जगह सफाई होनी चाहिए। अब भैया होली आने वाला है, होली का दहन आने वाली है और इसके साथ ही सब व्यवहार जैसे त्यौहार आने वाले, तो इसको लेकर के भैया डीएम साहब पीस कमेटी की बैठक कर रहे थे। अब तक सुनो डीएम अविनाश कुमार क्या बोले, उनके साथ एसपी दिनेश सिंह भी दिख रहे थे। सभी SDMs और CO's को भी आमंत्रित किया था और ये उसको भी और DPRO और अन्य अधिकारियों को भी, जिनको भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने हैं। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए जैसे विद्युत विभाग को कहा कि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं, CO's को साफ सफाई और जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए और SDMs और CO's को निर्देश दिए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में इस कंपनी की मीटिंग इंश्योर करा लेंगे। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों से जो धर्मपुर और मैंने संभाग देखी है बस उनसे उनका फीडबैक लिया गया कि उनके इस तरह के सर्वे करके मुद्दे हैं उनको बता सकते हैं जिसको हम लोग रिजॉल्व करें और फिलहाल जो ऐसे कोई निर्णय नहीं उठाए और जो भी शासन के निर्देश हैं वो सभी लोगों को कम्युनिकेट कर दिए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग आने वाले त्यौहारों को शांतिपूर्वक संचालित कराएंगे। डीएम साहब के बात सुनी भैया, आपने सुन गए, मामला भी समझा गया कि किस प्रकार से सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई और समझा बुझा भी दिया गया। अब भैया हमको लगता है कि डीएम साहब जिस प्रकार से जिम्मेदारी बांटे हैं सभी अधिकारी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे। पर फिलहाल दूसरे खबर देख लेते हैं, आपकी कारा कमेंट कीजिएगा। अब तीनों बिटिया बोल रहे थे कि भैया हमारे द्वारे तुम काहे बैठे पड़े हो, अब एक जने वीडियो बना उतरा है भाऊजी भैया तमाशा देखत रहा है, जब वो आदमी फंडी फंडी चलावे लाग तो सब जने दौड़ के गए बचावे खातिर मारपीट करे खातिर। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मामला उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के देवा थाना पर जाता है पटना गाँव की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल करने में जुट गई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जो घायल बिटिया हुई है उनका भैया लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पर फिलहाल बाराबंकी जम्मू उत्तर प्रदेश के लिए एवं शुरू फोन की बापोर्ट वीडियो शेयर करा लू, चैनल को सब्सक्राइब करो, शर्मा साहब जी को दबा दो बैलेंस करके वीडियो वायरल होती है, हमने कहा दिखा दो, अब आपकी कारा कमेंट जरूर कीजिएगा।